हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह, जो अक्सर अपने व्लॉग्स के जरिए कुछ दिलचस्प राज अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन जिनके बारे में किताब भी लिख चुकी है और किताब लिखी जा चुकी है, जो उसमें कई ऐसे राज हैं जो एक्टर के परिवार के बारे में कई दिलचस्प खुलासे करते हैं। इन्हीं में से एक खुलासा एक्टर की संन्यास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो कि अपने घर को छोड़कर, अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके चले गए थे संन्यास के लिए, और ये संन्यास उन्होंने क्यों लिया था इसके बारे में भी बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने पूरे 41 दिन का संन्यास लिया था। ना वो कोई फैंसी कपड़े पहनते, ना वो चप्पल पहनते, ना वो कोई ऐसा खाना खाते जिसमें मादक पदार्थ या फिर मीट मछली का इस्तेमाल किया गया हो या तेज मसाले वाली चीज़ें, और ना ही वो बेड पर सोया करते थे। यानी कि पूरी उन्होंने जो जिंदगी अपनी 41 दिनों की जी, वो सन्यासी की तरह थी। घर परिवार से दूर ना तो उनके साथ कांटेक्ट किया गया और ना ही परिवार ने कभी ऐसा करने की कोशिश की। इसके पीछे की दिलचस्प कहानी क्या है, यकीनन जान करके आपको हैरानी होगी। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड की शहनशाह अमिताभ बच्चन, जिनके बारे में जितना जिक्र कर लिया जाए उतना कम है। इनकी ज़िंदगी एक ऐसी खुली किताब की तरह है जहां पर आपको कई कारनामे नज़र आ जाएंगे। आज एक ऐसे कारनामे के बारे में आपको बताने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब डॉन मूवी एक्टर ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को त्याग कर सन्यासी का वेश धारण कर लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर सन्यासी वेश धारण कर लिया था। दरअसल इस अनोखे राज का खुलासा अमिताभ बच्चन ने 1984 में फिल्म शराबी की शूटिंग के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में की थी। इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने त्रिवेणी सन्यास लिया था। एक्टर ने इस पर हामी जताई और कहा, हाँ मैंने सन्यास लिया था। ये व्रत 41 दिनों का था। मैंने अपने परिवार से दूरी बना ली थी। इसके साथ ही शराब मांस का सेवन भी त्याग दिया था। नंगे पांव रहता, भगवा कपड़े पहनता, जमीन पर सोता, इस तरह से सन्यासी का जीवन व्यतीत करता। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने 80 के दशक का ये इंटरेस्टिंग किस्सा बताया। इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन से ये भी पूछा गया कि ऐसा काम आखिर उन्होंने किया क्यों। इस पर दीवार फिल्म के एक्टर ने बताया कि केरल में सबरीला माला मंदिर है जो भगवान अय्यप्पा स्वामी को अर्पित है, उनके लिए इस तरह से व्रत और नियम किए जाते हैं। उनके दर्शन के लिए मैं पथरीली पहाड़ियों के इलाकों में 40 मील की यात्रा करके दर्शन करने के लिए गया था। इसके लिए मेरी कोई मन्नत नहीं थी, मेरे कुछ दोस्त ऐसा किया करते थे तो मैंने भी देखा देखी कर लिया। इसके बाद मुझे काफी आनंद की अनुभूति भी हुई। अमिताभ बच्चन की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनके दिलचस्प किस्सों का भी। अमिताभ अपनी निजी जिंदगी से जुड़े हुए राज ब्लॉग के जरिए भी बताते हैं। उसी में से कई बार उनकी वीडियोस जिसमें उन्होंने इंटरव्यू किसी को दिया होता है वो वायरल हो जाते हैं। ऐसे में ये इंटरव्यू भी काफ़ी चर्चाओं में आया, 1984 का ये इंटरव्यू, जहां पर उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 41 दिनों के लिए उन्होंने भगवान के दर्शन करने के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, जमीन पर सोते, नंगे पांव चलते, भगवा वस्त्र धारण करते और सन्यासी की तरह जिंदगी व्यतीत करते थे। तो देखा आपने कैसे भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अमिताभ बच्चन ने 41 दिनों का ये व्रत लिया था, सन्यासी का जीवन व्यतीत किया था। बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसने अमिताभ बच्चन जैसा इस व्रत को लिया हो, सन्यासी का जीवन जिया हो और अपनी जिंदगी में जो एक बुरे फेज का जो बुरे फेसेस की यादें हैं वो इस तरीके से मिटाने की कोशिश की हो। अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको कोई भी मुश्किल
नहीं नजर आए, क्योंकि इससे न केवल वो पॉजिटिव एनर्जी पा रहे थे बल्कि उनके जिंदगी में सब कुछ ठीक भी हो रहा था। उनकी जिंदगी सुचारू रूप से चलने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार थी। अमिताभ बच्चन का कहना था कि ऐसा करके उन्होंने अपनी बैटरी चार्ज की और लगातार वो कार्रवाई यूं ही जारी है। अमिताभ 81 साल के हो गए हैं लेकिन अपने इन ऐसे अतरंगी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। फैंस को अपनी अलग अलग ब्लॉग्स के ज़रिए अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में अपडेट करते हैं, जानकारी देते हैं और यकीनन अपने पोस्ट के ज़रिए फैंस में एक्साइटमेंट भी बढ़ाते हैं। वेल, जल्द ही अमिताभ बच्चन आपको बड़े पर्दे पर भी नज़र आएंगे और एक बार फिर से इंटरटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अमिताभ बच्चन। बता दें कि बीते दिन खबर सामने आई थी कि अमिताभ की तबीयत खराब है जिसकी वजह से उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालांकि ये खबर फर्जी निकली। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।